करीब 8 साल पहले नई दिल्ली में कांग्रेस और भाजपा को करारी पटकनी देने वाली आम आदमी पार्टी ने अब पंजाब में दशकों पुराने सियासी दिग्गजों को धूल चटाकर भारतीय राजनीति में बड़े बदलाव की नींव रख दी है। दो राज्यों में सरकारों के साथ वह अब देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के बराबर आ खड़ी हुई है, जिसकी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक दशक भर से भी कम समय में यह सियासी सफलता हासिल करने वाली आप 2024 लोकसभा चुनावों से पहले भारतीय सियासत में बड़ी ताकत के रूप में उभर आई है। 2013 में दिल्ली में अल्पकालिक सरकार बनाने के साल भर के भीतर ही आपने 2014 लोकसभा चुनाव में पंजाब में सफलता का स्वाद चखा। तब उसे 24.4% वोट प्रतिशत के साथ 4 सीटें मिली। इसके बाद 2015 में पार्टी ने दिल्ली में एक तरफा जीत दर्ज की। इसके 2 साल बाद पंजाब के विधानसभा चुनावों में भी यह करिश्मा दोहराने की उम्मीद जागी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और 20 सीटों के साथ उसे विपक्ष में बैठना पड़ा। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने 77 सीटें जीती। 2017 और 2020 के बीच पंजाब में अपना घर व्यवस्थित करने के लिए संघर्ष कर रही आपने अपनी कार्यप्रणाली में कुछ महत्वपूर्ण रणनीतिक बदलाव शुरू किए। सबसे पहले पार्टी ने वापस दिल्ली पर अपना ध्यान केंद्रित किया। दूसरा, खुद अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आक्रामक सार्वजनिक बयान देना बंद कर दिया। इसके उलट जनता को दिल्ली में हासिल हुई उपलब्धियां बताने पर जोर दिया जाने लगा। इसके अलावा भी पार्टी व्यापक जनभावना के अनुरूप बातें करने लगी और केजरीवाल ने अपनी धार्मिक पहचान जाहिर करने से हिचकना बंद कर दिया। अपनी लोक लुभावन योजनाओं और बदली रणनीति के चलते आप 2020 में फिर प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली पर काबिज हुई। इस जीत ने सीमावर्ती पंजाब में फिर से अपनी सियासी विस्तार की उम्मीदें जगा दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN। We'll be right back.